मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको स्टैंडर्ड फोर्थ के सब्जेक्ट मीन्स के चैप्टर 8 के बारे में बताऊंगी। तो हमने आगे कहाँ तक पढ़ा था, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, वो सब कुछ पढ़ लिया था। फिर हमने एंगल पढ़ लिया था। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, मेजरिंग एन एंगल यूजिंग द प्रोटेक्टर। यानी कि ये जो प्रोटेक्टर होता है उसकी मदद से हम एंगल को किस तरह से मेजर करेंगे वो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। तो फर्स्ट क्या है, लुक एट द प्रोटेक्टर, यानी कि ये जो प्रोटेक्टर होता है उसमें आप लोग देखिए। तो क्या है, अ प्रोटेक्टर हैज शेप लाइक द इंग्लिश अल्फ़ाबेट डी। यानी कि प्रोटेक्टर का शेप क्या होता है, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट डी है ना वैसा शेप होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा भी प्रोटेक्टर आता है और मेरे पास ऐसा प्रोटेक्टर है, ऐसा किसी भी तरह का हमारे पास प्रोटेक्टर हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्या है, द कर्व्ड साइड ऑफ प्रोटेक्टर इज मार्क फ्रॉम 0 degree टू 180 degree। यानी कि जो कर्व्ड साइड है उसमें प्रोटेक्टर में मार्क किया होगा 0 degree से लेके 180 degree तक। यानी कि ये सारा क्या है, एंगल है। 0 angle, फिर 10, फिर 20, फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 और 180। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ना वो 0 से लेके 180 डिग्री की होती है। और ये जो ये और ये लाइन, यानी कि ये सीधी लाइन, उसमें कौन सा एंगल होता है, 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, इफ़ इट हैज़ टू स्केल्स आउटर एंड इनर, यानी कि उसके पास दो स्केल है, एक ये आउटर वाली है और एक दूसरी इनर वाली है। इनर वाली है वो उल्टी है, 0 से लेके 180। द आउटर स्केल स्टार्ट 0 फ्रॉम द लेफ्ट एंड इनर एट 0 फ्रॉम द राइट। यानी कि जो ये आउटर है वो लेफ्ट से 0 स्केल स्टार्ट होती है और इनर है वो राइट से 0 स्केल स्टार्ट होती है। द स्ट्रेट साइड हैज़ अ मिड पॉइंट मार्क क्लियरली, यानी कि ये जो स्ट्रेट है ना वो मिड पॉइंट है इसका। कहा गया है कि लेट अस लर्न टू मेजर एन एंगल यूजिंग द प्रोटेक्टर, यानी कि हमें क्या करना है कि प्रोटेक्टर से एंगल को मेजर करना है। तो किस तरह से करेंगे, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, तो स्टेप्स में है। यहाँ पे फर्स्ट क्या है, टू मेजर द गिवन एंगल बी ओ ए प्लेस द मिड पॉइंट ऑफ प्रोटेक्टर ओवर द वर्टेक्स ओ ऑफ द एंगल। यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एंगल दिया गया है बी ओ ए, उसमें हम क्या करेंगे, उसके मिड पॉइंट का जो वर्टेक्स है उस पर प्रोटेक्टर का ये जो मिड पॉइंट है वो रख देंगे। क्या करेंगे, प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट रख देंगे। फिर सेकंड स्टेप क्या है, द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द स्ट्रेट साइड ऑफ द प्रोटेक्टर इज प्लेस्ड ओवर। यानी कि हम क्या करेंगे, इसकी जो स्ट्रेट लाइन है उस पर ये जो प्रोटेक्टर की लाइन होगी उस पर रख देंगे। वन आर्म ओ ए, यानी कि एक इसको क्या बोलते हैं, आर्म बोलते हैं। ओ ए जो एक आर्म है ऑफ द एंगल बी ओ ए, मतलब बी ओ ए की ये जो एक आर्म है, सच दैट इट्स मोर मिड पॉइंट इज ओवर द वर्टेक्स ओ ऑफ द एंगल। यानी कि उसमें ओ है वो मिड पॉइंट होगा इस एंगल का, वर्टेक्स होगा। फिर थर्ड स्टेप क्या है, नाउ द एंगल इज रीड ऑन द प्रोटेक्टर। अब हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर से एंगल को रीड करेंगे, काउंटिंग फ्रॉम 0 फ्रॉम द राइट टिल यू रीच द अदर आर्म ओ बी। यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ से एंगल को काउंटिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम राइट हैंड साइड से ले रहे हैं, ओ ए से ओ बी तक जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से काउंटिंग करेंगे 0 से लेके जहाँ तक ओ बी हमें मिल नहीं जाता था वहाँ तक। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या है, 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60 पे हमें ओ बी आर्म मिल गया। यानी कि इसका एंगल क्या हुआ, 60। यानी कि हम क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ बी। हमने कहाँ से काउंटिंग की, यहाँ से। यानी कि हम क्या बोलेंगे, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी इज इक्वल टू 60 degree। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, हियर एंगल, एंगल का ये सिंबल है, देखो एंगल का ये सिंबल है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 degree। फिर नेक्स्ट क्या है, ड्रॉइंग एन एंगल यूजिंग द प्रोटेक्टर। यानी कि हम क्या करेंगे, एंगल ड्रॉ करेंगे प्रोटेक्टर से। ये हमने क्या किया था कि अगर हमें एंगल दिया गया और उसको मेजर करना कि वो एंगल कितना है, तो हम प्रोटेक्टर से उस तरह से मेजर कर लेंगे। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हम एंगल ड्रॉ करेंगे।
तो एग्जांपल में क्या है, ड्रॉ एन एंगल 75 डिग्री यूजिंग द प्रोटेक्टर, यानी कि हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर की मदद से 75 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, स्टेप वन, ड्रॉ अ रे ओ ए, यानी कि हम क्या करेंगे, एक रे ड्रॉ कर लेंगे ओ ए। फिर उसके बाद क्या है, प्लेस द प्रोटेक्टर ऑन ओ ए सच दैट इट्स मिड पॉइंट इज एट ओ एंड द रे ओ ए कोइंसाइड विथ 0 डिग्री मार्क एज शो इन फिगर। यानी कि यहाँ पे फिगर में देख लो, हम क्या करेंगे, ओ ए को इस तरह से रखें, उसमें ओ ए के ऊपर इस तरह से हम प्रोटेक्टर रखेंगे कि ओ के ऊपर उसका मिड पॉइंट आए और ओ ए जो रे है वो स्ट्रेट लाइन हो उसके एंगल की तरफ, यानी कि 0 डिग्री की तरफ। फिर थर्ड स्टेप क्या है, मार्क अ पॉइंट बी नियर द एज एट 75 डिग्री फ्रॉम द इनर स्केल, यानी कि हम क्या करेंगे, 75 डिग्री पे यहाँ पे मार्क, पहले यहाँ पे पॉइंट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, पॉइंट कर लेंगे सबसे पहले 75 यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और यहाँ पे 75 बीच में, तो यहाँ पे क्या आएगा, हम यहाँ पे पॉइंट कर लेंगे 75 डिग्री पे और फिर उसके बाद उसकी लाइन खींच लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, नाउ रिमूव द प्रोटेक्टर एंड ड्रॉ रे ओ बी यूजिंग अ रूलर, यानी कि हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को रख देंगे साइड में और उसके बाद स्केल से हम उसकी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर क्या आएगा, फिफ्थ, एंगल ए ओ बी इज द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ 75 डिग्री, यानी कि अब क्या बन गया, हमारा जो एंगल ए ओ बी है वो 75 डिग्री का बन गया, तो हमें क्या मिला यहाँ पे, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 75 डिग्री। फिर नेक्स्ट क्या है, क्लासिफाई ऑफ एंगल्स, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स, यानी कि यहाँ पे कई सारे तरह के एंगल्स होते हैं, तो उसको किस तरह से हम ढूंढेंगे, किस तरह से हम फाइंड करेंगे कि ये कौन सा एंगल है। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्या है, एंगल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर मेजर्स, यानी कि हम जो हम उसको मेजर करते हैं तो उस हिसाब से क्लासिफाइड होते हैं, यानी कि अलग अलग टाइप के होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्या है, एक्यूट एंगल, क्या है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो, एन एंगल विच मेजर बिटवीन 0 to 90 इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल, यानी कि जो एंगल 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के बीच में आता है उसे क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखो, 75 डिग्री है तो उसको भी एक्यूट एंगल बोलेंगे, यहाँ पे एग्जांपल है 70 डिग्री उसको भी एक्यूट एंगल बोलेंगे, फिर यहाँ पे देखो 60 डिग्री उसको भी एक्यूट एंगल बोलेंगे, 35 डिग्री होगा तो उसको भी एक्यूट, यानी कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में जो एंगल आता है उसे क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, राइट एंगल, राइट एंगल किसे बोलेंगे, एन एंगल विच मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड ए राइट एंगल, यानी कि जो परफेक्ट 90 डिग्री का एंगल होगा उसे क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं, यानी कि वो दोनों स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। हमारे कोई भी रूम होता है या फिर कुछ भी होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का, मान लो ये बुक है तो इसमें भी 90 डिग्री है, ये और ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन दोनों होती ना वो 90 डिग्री का एंगल होता है। यहाँ पे देखो, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, पी क्यू आर एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि वो क्या हो गया, राइट एंगल हो गया, क्या हो गया, राइट एंगल। फिर नेक्स्ट क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब क्या है, एन एंगल विच मेजर मोर देन 90 बट लेस देन 180 इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल, यानी कि जो एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 190 डिग्री से कम हो उसे क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। यहाँ पे एग्जांपल है, देखो एक्स वाई जेड किस कितनी डिग्री का है, 130, यानी कि 190 से बड़ा है और 180 से छोटा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 130 डिग्री इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। फिर नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या है, एन एंगल विच मेजर 180 डिग्री इज कॉल्ड ए स्ट्रेट एंगल। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था ना कि प्रोटेक्टर में 0 से लेके 180 होता है वो पूरा स्ट्रेट लाइन होता है, यानी कि स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल यानी कि क्या होता है, जो फिट 180 डिग्री का हो उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। यहाँ पे देखो, ये लाइन है तो उसमें ये वर्टेक्स है और ये एंगल है, एंगल ए ओ बी, तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का है, यानी कि स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। तो आप लोगों को पता चला कि एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं, 0 से लेकर 90 के बीच में होता है उसे एक्यूट बोलते हैं, जो
सिर्फ 90 होते हैं उसे राइट एंगल बोलते हैं, जो 90 से 180 के बीच में होते हैं उसे ऑब्ट्यूस बोलते हैं, और जो सिर्फ 180 डिग्री का होता है उसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट है ड्रॉइंग एंगल्स यूजिंग सेट स्क्वेयर्स, यानी कि क्या दिया गया है कि हमें क्या करना है कि ये जो सेट स्क्वेयर्स होते हैं, हमें जो प्रोटेक्टर होता है, प्रोटेक्टर होता है उसके साथ, ये जो प्रोटेक्टर होता है ना उसके साथ ये स्क्वेयर्स भी दिए होंगे आप लोगों को, ये भी आए होंगे साथ में, तो उसके उसके मदद से हम किस तरह से एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है विच क्या है यहाँ पे, विथ द हेल्प ऑफ सेट स्क्वेयर वी कैन ड्रॉ वेरियस एंगल्स सच एज 30, 45, 60, 75, 90 and 105। यानी कि इन दोनों सेट स्क्वेयर की मदद से हम कौन कौन से एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, 30 का, 45 का, 60 का, 75 का, 90 का और 105 का। तो किस तरह से यहाँ पे देखो, ये जो फर्स्ट वाला है बड़ा वाला, उसमें यहाँ पे देखो ड्रॉ किया गया है कि क्या है कि ये एंगल होगा वो 30 का होगा, यानी कि ये एंगल होगा वो 30 का होगा, फिर ये तो 90 का ही होगा, फिर ये एंगल होगा वो 60 का होगा, यानी कि ये जो एंगल होगा वो 60 का होगा। फिर नेक्स्ट क्या है, ये जो सेम दिया गया होगा इसमें क्या है, ये एंगल होगा वो 90 का होगा, ये होगा वो 45 का होगा और ये होगा वो 45 का होगा। फिर अगर हम दोनों को मिलाते हैं, किस तरह से मिलाया है देखो, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाती हूँ, इस तरह से मिलाते हैं तो यहाँ पे देखो ये एंगल 30 का है, ये एंगल 45 का है, यानी कि क्या हुआ, 30 + 45 क्या होता है 75, तो ये एंगल हमें कौन सा मिल गया, 75 डिग्री का। और अगर हम उसको इस तरह से रखेंगे, तो ये एंगल 45 का है और ये एंगल 60 का है, तो 60 + 45 क्या हो जाएगा, 105। तो इस तरह से हम सेट स्क्वायर की मदद से भी एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 3 जो आप लोगों को अपनी बुकलेट में और टेक्स्ट बुक में दोनों में कंप्लीट करनी है। क्या देख रहे थे, एक्सरसाइज 3, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेजर द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग अ प्रोटेक्टर, यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे ही एंगल दिए गए और प्रोटेक्टर की मदद से हम एंगल को मेजर करेंगे। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट है एक्स वाई जेड, तो हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को दोनों के वर्टेक्स में रख देंगे, यहाँ पे मिड पॉइंट पे वर्टेक्स में ये 0 पॉइंट रख देंगे और यहाँ पे ये पैरेलल लाइन रख देंगे। अब आप लोग देखो यहाँ पे कौन सा है 45, ये 40 और 50 के बीच में जो लाइन है वो 45 है, यानी कि यहाँ पे कौन सा एंगल आएगा, 45। फिर वैसे ही नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट में है पी क्यू आर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में रख देंगे और दोनों को पैरेलल कर लेंगे। देखो कौन सा एंगल है, 70, तो यहाँ पे क्या आएगा, 70। पी क्यू आर क्या आएगा, 70। फिर नेक्स्ट क्या है, ए बी सी, तो देखो ए बी सी में यहाँ पे दोनों लाइन को पैरेलल कर लिया, देखो ये कौन सा एंगल है, 80, तो यहाँ पे क्या रखा, 80। फिर नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे कौन सा एंगल आएगा, 30, तो यहाँ पे क्या हो गया, 30। तो आप लोगों को भी इसको इसके साथ प्रोटेक्टर के साथ आप लोगों को पहले मेजर करना है, उसके बाद ही लिखना है यहाँ पे कौन सा एंगल है, ठीक है, 45, 70, 80 और 30। फिर नेक्स्ट क्या है, ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग अ प्रोटेक्टर, यानी कि हमें क्या करना है, ये प्रोटेक्टर की मदद से ये जो सारे एंगल है उसको ड्रॉ करना है। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए, आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, 35, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, स्केल लिया, ये रे ड्रॉ कर ली, ओ पी,
ये रे ड्रॉ कर ली, फिर उसके बाद प्रोटेक्टर का यूज करके मैंने एंगल ड्रॉ किया है। देखो ये प्रोटेक्टर यहाँ पे वैसे पैरेलल रख दिया, जैसे हमने उस एंगल में मेजर किया था और किस तरह से रखा था वैसे ही रखना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखो 35 पे हम डॉट करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे एक रे ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, POQ 35। तो यहाँ पे लिखना है आप लोगों को कि एंगल POQ इज इक्वल टू 35। वैसे ही यहाँ पे 60, फिर 83, फिर यहाँ पे कौन सा है 90, यानी कि राइट एंगल है 90, और लास्ट है 110। आप लोगों को प्रोटेक्टर का यूज़ करके ड्रॉ करने, किस तरह से करेंगे जैसे फर्स्ट किया था, पहले ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे, फिर उसके ऊपर प्रोटेक्टर रख देंगे, और उसके बाद जहाँ पे आएगा निशान वहाँ पे डॉट करेंगे, और फिर उसको लाइन खींच लेंगे ताकि हमें एंगल मिल जाए। क्या एंगल आएंगे, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 35, 60, 83, फिर नेक्स्ट 90 और 110। ये सारे आप लोगों को अपनी जो बुकलेट है उसमें खाली पेज होगा उसमें ड्रॉ करने हैं आप लोगों को। एक्सरसाइज 3 वैसे लिख के आप लोगों को ड्रॉ करने हैं। फिर थर्ड क्या है, आइडेंटिफाई द एंगल एज एक्यूट राइट ओब्यूज ऑब्ट्यूज और स्ट्रेट विदाउट मेजरिंग देम, यानी कि उसको मेजर न करते हुए हम जैसे ही है वैसे देखते हुए हमें क्या है इसको आइडेंटिफाई करना कि वो कौन सा एंगल है, एक्यूट है या फिर राइट है, ऑब्ट्यूज है या फिर स्ट्रेट है। तो हमें पता है एक्यूट कब होता है, जब वो 0 से लेकर 90 के बीच में होता है। फिर राइट कब होता है, जो एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है। ऑब्ट्यूज कब होता है, जब वो 90 और 180 के बीच में होता है। और स्ट्रेट कब होता है, जब वो एग्जैक्ट 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्या है आप लोगों को पता है कि 90 डिग्री कब होता है, जब पूरा स्ट्रेट होता है। यहाँ पे देखो दो रे पूरे स्ट्रेट होते हैं, तो ये तो इससे आगे बढ़ गए, यानी कि ये क्या हो जाएगा 90 से ज़्यादा, यानी कि ये क्या होगा ऑब्ट्यूज। फिर नेक्स्ट क्या है, ये स्ट्रेट है तो ये क्या आ जाएगा राइट। फिर ये 90 से छोटा है यानी कि एक्यूट। फिर ये स्ट्रेट है तो इसको क्या बोलेंगे स्ट्रेट। फिर ये 90 से छोटा है इसको क्या बोलेंगे एक्यूट। ये 90 से बड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे ऑब्ट्यूज। ये 90 से बड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे ऑब्ट्यूज। और ये 90 से थोड़ा सा ही छोटा है। अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि ये 90 जितना है, मुझे भी लगा था, तो मैंने क्या किया था कि मेजर कर लिया था एंगल, इसकी प्रोटेक्टर को यूज़ करके मैंने मेजर कर लिया था, ये 90 से थोड़ा सा ही छोटा है, स्लाइट ही छोटा है, तो ये क्या है एक्यूट। फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या है, क्लासिफाई द एंगल एज एक्यूट ऑब्ट्यूज स्ट्रेट और राइट यूजिंग देयर मेजर्स, यानी कि ये जो हमें एंगल के नंबर्स दिए गए हैं तो हमें उसके हिसाब से हमें लिखना है कि वो एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, स्ट्रेट है या फिर राइट है। तो 117 डिग्री यानी कि 179 के 19 से बड़ा होता है तो वो क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज। फिर नेक्स्ट क्या है 28, तो 28 90 से छोटा होता है तो वो क्या आएगा एक्यूट। फिर 150 जो 90 से बड़ा है तो वो क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज। और ये है 90 यानी कि वो क्या हो जाएगा राइट एंगल। और ये है 180 यानी कि वो एंगल कौन सा होगा स्ट्रेट एंगल। तो इस तरह से आप लोगों को ये टेक्स्ट बुक में भी लिख सकते हो और अपनी बुकलेट में भी लिख सकते हो। फिर फिफ्थ क्या है, ड्रॉ एन एंगल 75 डिग्री यूजिंग सेट स्क्वेयर्स, यानी कि यहाँ पे देखो सेट स्क्वेयर्स की मदद से हमें क्या करना है 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, यानी कि इस तरह से हमें ड्रॉ करना है सेट स्क्वेयर दोनों को रख के। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है सेट स्क्वेयर का, देखो इन दोनों की मदद से ही किया है मैंने। देखो
पहले ऐसे रख देना है, फिर ये 45 डिग्री, ये 30 डिग्री, यानी कि क्या हो जाएगा 75 डिग्री हो गया। ये ऐसी लाइन, ये ऐसी लाइन, कितना एंगल हुआ 75 डिग्री। तो सेट स्क्वायर की मदद से भी आप लोगों को ये जो 75 डिग्री का एंगल है वो ड्रॉ करना है, किसमें, बुकलेट में करना है। तो यहाँ पे जो हमारी एक्सरसाइज 3 वो कंप्लीट होती है, आप लोगों को आधी बुकलेट में और आधी इसमें टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करनी है।